हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन की कि पिगमेंटेशन का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, पिगमेंटेशन का मतलब है कि आपकी स्किन पर कई बार क्या होता है कि आपकी स्किन से डार्क कलर के निशान या दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उनको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। तो अपने इस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पिगमेंटेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और फिर इसका उपचार क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिगमेंटेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप अक्सर अपनी लाइफ में देखते होंगे और सोचते होंगे कि कुछ लोग तो इतने गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं और कुछ लोगों की त्वचा काली होती है, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण है फ्रेंड्स, मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो मेलानिन बनाने वाले सेल्स होते हैं हमारी स्किन में। तो मेलानिन जो है वो हमारी स्किन का पिगमेंट डिसाइड करता है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्किन टोन के लिए, हमारी स्किन का कलर क्या होगा। तो जिन लोगों में मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होता है वो थोड़ी सी सांवली त्वचा के होते हैं, और जिन लोगों में मेलानिन सिंथेसिस कम होता है वो गोरे होते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा, हम बर्थ से ही हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे जेनेटिक्स ही इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आगे चलकर लाइफ में कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारी स्किन के किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो हमारे सेल्स होते हैं वो मेलानिन प्रोडक्शन करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वो जो स्पेसिफिक एरिया होता है वो हमारी सराउंडिंग स्किन से थोड़ा सा डार्क दिखता है। तो इस तरह से अगर जगह जगह पर इस तरह से मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर वो जो दाग धब्बे हमारे चेहरे के ऊपर दिखने लगते हैं, डार्क स्पॉट्स दिखने लगते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते, तो उसी को हम पिगमेंटेशन का नाम करते हैं और उसी के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो पिगमेंटेशन है ये कितने टाइप का होता है। तो पिगमेंटेशन को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एज स्पॉट्स, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा। जो एज स्पॉट्स होते हैं ना, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि किसी पर्सन का उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग सन एक्सपोज़र कितना रहा है। जिसका सन एक्सपोज़र ज़्यादा रहा है, मतलब जिसका समझ लीजिए आप वर्क ही ऐसा है कि उसको मोस्टली फील्ड में रहना पड़ता है, तो उनकी स्किन के ऊपर ये काले काले निशान या दाग धब्बे ज़्यादा पड़ जाते हैं, और जो इंडोर्स रहते हैं जिनका काम अंदर ऑफिस वर्क है उनकी स्किन में कंपैरेटिवली कम दाग धब्बे पड़ते हैं, तो इनको हम एज स्पॉट्स का नाम देते हैं। तो जो दूसरी टाइप है वो है मेलाज्मा। ये जो मेलाज्मा होता है ये मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान या फिर किसी टाइप के कोई मेडिकेशन के कारण ये छाइयाँ पड़ जाती हैं, जिनको हम झाइयों का नाम देते हैं। तीसरी टाइप की कैटेगरी है फ्रेंड्स, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको शॉर्ट टर्म में हम PIH भी कहते हैं। ये उस जगह पर होता है जहाँ पर कहीं आपकी स्किन के ऊपर कोई इंजरी हो गई या चोट लग गई, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई, तो जब उसका स्किन का हीलिंग प्रोसेस होता है तो वो जो जगह होती है जब वो हील होती है तो वो आपकी सराउंडिंग स्किन से थोड़ी डार्क दिखने लगती है, यानी कि उस जगह पर मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा हो गया, तो उस जगह को हम PIH या पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का नाम दे देते हैं। तो ये तो हो गए कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। अब हम इसके उपचार की बात कर लेते हैं। तो जो इसका उपचार होता है पिगमेंटेशन का, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो टॉपिकल क्रीम्स, लोशंस, फेस वॉश वगैरह, उसकी बात कर लेते हैं। तो इन टॉपिकल क्रीम्स वगैरह में या लोशंस वगैरह में या फेस वॉश में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि कोज़ेइक एसिड, एज़िलेइक एसिड, ग्लूटाथायोन, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, जो आपकी स्किन लाइटनिंग का काम करते हैं, ये वहाँ पर मेलानिन सिंथेसिस को कुछ हद तक कम कर देते हैं। और दूसरा, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है एक अच्छा सा सनस्क्रीन आपकी स्किन के हिसाब से, जैसी आपकी स्किन है, वेदर इट इज़ ऑयली या ड्राई स्किन है, तो उस हिसाब से, या आपका कितना सन एक्सपोज़र है उस हिसाब से वो आपको सनस्क्रीन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो दूसरी टाइप की कैटेगरीज हैं उसको हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का नाम दे देते हैं। इसमें लाइट एंड लेज़र थेरेपीज़ आ जाती है, माइक्रोडर्माब्रेजन आ गया, केमिकल पीलिंग आ गई। तो जो ये लेज़र एंड लाइट थेरेपीज़ आ जाती हैं, इसमें मोस्टली NDAG या फिर ये IPL या दूसरी लेज़र्स आ जाती हैं। ये लेज़र्स काम कैसे करती हैं, जहाँ पर हमारे ज़्यादा पिगमेंटेशन है फ्रेंड्स
तो जो ये जो लेज़र लाइट है वो जगह उस लेज़र लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और आसपास की जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको कोई डैमेज नहीं होता। जब वो उस लेज़र लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो मेलानोसाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी स्किन से वो वॉश आउट होते हैं। लेकिन ये एक सेशन का प्रोसीज़र नहीं है, इसमें 4 से 5 सेशंस लगते हैं और कुछ टाइम लगता है स्किन को क्लियर होने में धीरे धीरे। दूसरी टाइप में आ जाते हैं माइक्रोडर्माब्रेशन या केमिकल पीलिंग। ये लेज़र लाइट थेरेपीज़ के मुकाबले थोड़ी सी कम एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें भी इसके भी कुछ सेशंस लगते हैं आपकी स्किन को क्लियर होने में और ये उससे थोड़ा कम एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ये ट्रीटमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो या इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या हमें मिलना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं और हमारा पता है कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। थैंक यू।